मर्सिडीज बेंज इंडिया ने नई जनरेशन GLE SUV के दो नए रेंज टॉपिंग वेरिएंट्स लॉन्च कर दिए हैं। मर्सिडीज बेंज GLE 450 4MATIC की एक शोरूम कीमत 88,80,000 रुपये रखी गई है, वहीं इसके 400D 4MATIC वेरिएंट की एक शोरूम कीमत 89,90,000 रुपये तय की गई है। दोनों नए वेरिएंट्स फिलहाल बेचे जा रहे GLE 300D 4MATIC और 400D 4MATIC हिप हॉप वेरिएंट्स के साथ बेचे जाएंगे। नए वेरिएंट्स को बढ़े हुए नए फीचर्स और तकनीक में पेश किया गया है, जिसमें MBUX सिस्टम के साथ इंटीरियर असिस्टेंट, ऑटो पार्क असिस्ट, प्रीमियम लेदर अपहोल्स्ट्री, पैनोरामिक सनरूफ और ऐसे कई और फीचर्स शामिल हैं। 2020 मर्सिडीज बेंज GLE के दोनों वेरिएंट्स के साथ 3 लीटर का 6 सिलेंडर पेट्रोल और डीजल इंजन दिया गया है और ये दोनों ही इंजन BS6 मानकों के उपयुक्त हैं। कंपनी ने दोनों पेट्रोल और डीजल इंजन के साथ 9G-Tronic ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दिया है। मासिक बिक्री के मामले में भारतीय घरेलू कार बाजार में एक नया खिलाड़ी सामने आया है। मई 2020 में 3,212 यूनिट बिक्री के साथ Hyundai क्रेटा कॉम्पैक्ट SUV भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार बन गई है। इस जगह पर लंबे समय से मारुति सुजुकी ऑल्टो और डिजायर जैसी कारों का कब्जा रहा है। हालांकि ये Hyundai क्रेटा की दमदार प्री बुकिंग्स का नतीजा है, जो लॉकडाउन में ढील मिलते ही बिक्री में तब्दील हुई है। नई जनरेशन Hyundai क्रेटा को इसी साल मार्च में लॉन्च किया गया है और अब तक बिकी कुल कारों का आधा हिस्सा मई 2020 में बेचा गया है। मारुति सुजुकी ने मई 2020 में Hyundai से ज्यादा कारें बेची हैं और 13,865 यूनिट बिक्री के साथ कुल बिक्री में कंपनी पहले स्थान पर बनी हुई है। सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया ने BS6 इंजन वाली बर्गमैन स्ट्रीट की कीमत में 1800 रुपए की बढ़ोतरी की है। फिलहाल बर्गमैन स्ट्रीट के दिल्ली में एक शोरूम कीमत 79,700 रुपए है। BS6 मानकों में बदले जाने के वक्त स्कूटर की कीमत में 7,000 रुपए का इजाफा किया गया था। बर्गमैन स्ट्रीट BS6 के साथ पहले जैसा 125 cc का सिंगल सिलेंडर इंजन दिया गया है, जो फ्यूल इंजेक्शन और सुजुकी की इको परफॉर्मेंस तकनीक के साथ आता है। ये इंजन 6,750 rpm पर 8.7 bhp पावर और 5,500 rpm पर 10 nm पीक टॉर्क जनरेट करता है। कीमत बढ़ाने के अलावा कंपनी ने स्कूटर में कोई तकनीकी बदलाव नहीं किया है।